हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्यानपुरी चैनल पे। आज मैं बनाने वाली हूँ कुरकुरे और रस से भरा हुआ गर्मा गर्म जलेबी। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा गर्मा गर्म जलेबी। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बाउल मैदा, डेढ़ बाउल चीनी, ये है फ्रूट कलर, और थोड़ा सा ले लें नमक। स्लो फ्लेम पर रख दिया है कढ़ाई को। कढ़ाई में डाल दूँगी मैं चीनी, जो डेढ़ कटोरी में चीनी ली थी, सारे चीनी को डाल देना है चाशनी बनाने के लिए। अब इसमें डाल देंगे दो कटोरी पानी। एक कटोरी देखिए डाल दी मैं। अब मैं थोड़ा इसे चला लूँगी, नहीं चाशनी को पतली बनाए ना ज़्यादा गाढ़ी बनाए, तार तो बिल्कुल नहीं बनाना है चाशनी में। इसमें एक नींबू डाल दें छोटा सा, ताकि आपकी चाशनी जमेगी नहीं। स्वाद के लिए इसमें डाल दें छोटी इलायची। देखिए मैं डाल दी हूँ छोटी इलायची को। अब मैं ले लूँगी बड़े बाउल में मैदे को, और चिटकी से एक चिटकी नमक डाल देंगे मैदे में। अब मैं इसमें डाल दूंगी छोटे चम्मच से हाफ चम्मच फूड कलर डाल के। अब मैं डाल दूंगी इसमें एक चम्मच नींबू का रस। अब मैं डाल लूंगी पानी। पानी को थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, नहीं तो बैटर गीला हो जाएगा। बैटर गीला हो जाएगा तो जलेबी नहीं बन पाएगी अच्छे से। एक कटोरी मैदे में एक कटोरी पानी आराम से लग जाएगा। इसे स्पून से मिला दें पहले सारे सामान को, उसके बाद से अब इसे अब हाथ से मिलाना है अच्छे से। इसको फेंटना है 20 से 25 मिनट तक, फ्लफी हो जाएगा तभी आपका जलेबी अच्छा बनेगा। इसी डायरेक्शन में इसी तरह फेंटते रहें इसे। अब चलेंगे चाशनी की तरफ। देखिए मेरा चाशनी भी बन के तैयार हो चुका है। इसमें से मैं निकाल दूंगी लेमन को। अब चाशनी में से निकाल दी लेमन को। देखिए चाशनी बनके तैयार हो चुका है। तार नहीं बननी चाहिए, चिपचिपी बननी चाहिए चाशनी। देखिए मेरा बैटर अभी थोड़ा सा बच रह चुका है फेंटने में। अभी मैं इसे 10 मिनट के लिए और फेंट लूँगी। बैटर को एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। फेंटने के बाद अब इसमें मैं डाल दी हूँ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को मिला डालने के बाद ज़्यादा इसे नहीं मिलाएं, ज़्यादा देर तक रखें भी नहीं। अब इसे मिला के थोड़ा सा अब इसमें डाल देंगे रिफाइन ऑयल एक चम्मच कुरकुरे होने के लिए। मैं तेल को पहले से ही रख ली थी गर्म होने के लिए। देखिए अब सॉस के बोतल में इसे अच्छे से भर देंगे बैटर को। बैटर को भरते हो वक्त ध्यान रखें। देखिए मैं थैली में भी भर चुकी थी। आपके पास अगर बॉटल ना हो सॉस का तो आप मोटे थैली में भी भर सकते हैं अच्छे से। और इसे मेहंदी का कोन जैसा पतला सा कट कर लेंगे। कट करके इसे ऊपर से अच्छे से बांध लेंगे। देखिए कितना अच्छा इससे भी बनके तैयार हो जा रहा है जलेबी। जलेबी को टच ना करें, अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। देखिए अच्छे से ऊपर आ गया है पूरा जलेबी। जलेबी का बुलबुला साइड साइड से ख़त्म हो जाए तो आप समझिए कि जलेबी मेरा बनके तैयार हो चुका है। देखिए अब डाल दी हूँ मैं चाशनी में। चाशनी में मैं डाल दी थी थोड़ा सा जलेबी का कलर। आप भी आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। देखिए अब सॉस के बॉटल से मैं डाल रही हूँ जलेबी को। जलेबी को डालते समय फ्लेम को स्लो कर दें, नहीं तो आपकी जलेबी जल जाएगी, कुरकुरी नहीं हो पाएगी। एक बार कढ़ाई में आराम से 5 से 6 जलेबी बन जाएगा। जलेबी में चाशनी में डालते वक्त इसे 5 मिनट के लिए दबा के रख दें, ताकि ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले जलेबी चाशनी को। देखिए मेरा जलेबी बनके तैयार हो चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।